दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में कराए जा रहे सौंदर्यकरण के कार्यों का प्रगति का जायजा लिया तथा निर्देश दिए कि कार्य को समय अनुसार पूरा किया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में स्वच्छ पर्यावरण के उद्देश्य से आंवला के वृक्ष का रोपण किया। इस दौरान मंदिर के आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीजी पर्यटन रवि कुमार, एनजी मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, एसएसपी जोगिंदर कुमार, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम आदरणीय पूज्य महाराज जी उपस्थित हो चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में बाबा मुक्तेश्वरनाथ के सिद्धपीठ के इस प्रांगण में बोले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। आदरणीय महानगर अध्यक्ष रणजय सिंह जुगनू जी, बंद है उधर से। दर्शन पूजन कार्यक्रम के पश्चात सूर्य महाराज जी वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ओम गंगे जलमे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधुकावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अयोध्यामुद्रामाय काशी कान्ते योनिगापरी द्वारावती चैव सप्तैकामोङ्काराय ओम गोविंदाय नमः। पवित्र पवित्रो आश्रमावसानि चंद्रस्य मत्कुटिं पवित्रं पापनाशनं पापदाहर्ते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। हरे ओम कलानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसोममयाहामराजगर्भधमा समराय च। नमस्ते रुद्रमन्देवोतोलजगदेनमहाबाहुभ्यामुततेनमहाजातेरुद्रशिवातमूलघोरापापकासिनीनयासननुमा अहित सर्वान्धमयासर्वान्धजातुधान्योधराचेहेपराशुभभुजस्तामरोपरोतमभ्रोहोषुमङ्गलः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाहस्रायुषमानुष्कमानोदेतरं ृदे स्तोत्राणि सर्वाभिरो यत्कर्मक
करोमि तदखिलं संभूतवारानं करचरणं कायनं कर्मजं वा श्रवणेनजं वा मानसं वा परानं विद्धेव शंभो हर हर महादेव बोले शंकर भगवान की जय। भैया साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। अब कितना ये सुरक्षित हो गई जगह। ओम सुसेना इंद्रो वृधस्रवाः सुचिनः पोखा विश्ववेदाः सुस्तिनस्ता रक्षो अर्चनेमि सुस्तिनो बृहस्पति आज बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर संपन्न हो रहा है। ये क्या है? ये सब उसी का पार्ट है ना? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज ने पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के लिए जितने भी शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, राम मंदिर क्षतिग्रस्त है उसका सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। उसी के तहत
शक्तिपीठ मुक्तेश्वर धाम का भी उद्धार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले साल जुलाई महीने में इसका शिलान्यास किए हैं, आज इसका एक तरह से लोकार्पण किया गया है और आज ये परिसर देखने में लगता है कि बहुत ही खूबसूरत सुंदर था। इसके पहले जब हम लोग आए थे यहाँ गंदगी का अंबार था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2,25,00,000 रुपया स्वीकृत किया। चारों तरफ से सुंदर बाउंड्री बनी है, शौचालय बना है और हाल बने, यहाँ पर आम आदमी भी आकर अपना कार्यक्रम कर सकता है और इसका फायदा उठा सकता है। ये परिसर आज एकदम खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। मैं पर्यटन के दृष्टि से भी मुक्तेश्वर धाम और आस्था के दृष्टि से भी मुक्तेश्वर धाम, बगल में राजघाट है, इसका बहुत ही महत्व है। यहाँ के लोग इसे आस्था से जुड़े हुए हैं। यह कार्य मुख्यमंत्री द्वारा संपन्न हुआ है। मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।